अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरीस जीवीएस। देखे हैं आज हम जबरदस्त सी, और जिन लोगों की ये फेवरेट है उनको तो आज मजा आ जाएगा। तो आज हमारे किचन में बन रही है बालूशाही मिठाई। तो वीएस ये देख लें, बालूशाही मिठाई के लिए सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम जबरदस्त सी हम अपनी बालूशाही मिठाई तैयार करेंगे। तो वीएस ये देख लें, मैंने ये बॉल के अंदर 2 कप मैदा ऐड कर लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से हम ये लेंगे। और ये देख ले, ये वाले कप मैंने सिंपल से जो कप होते हैं हमारे नॉर्मली, ये मैंने वो ले लिए हैं। 2 कप मैंने ये मैदा ले लिया है, और इसी के साथ व्यूज़ ये देख ले, 1/2 कप हमारा ये घी है। और व्यूज़ इस घी को मैं मेल्ट कर लूँगी। तो व्यूज़ ये आपने घी लेना है, और 1/2 कप ये हमारा घी था। घी में बहुत ज़बरदस्त सी मिठाइयाँ बनती हैं। अब इसको सिर्फ हम लाइट से फ्लेम के ऊपर इसको मैं मेल्ट कर लूँगी घी को। जी ये देख लें, घी हमारा मेल्ट हो गया है, ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसे अब मैदे में ऐड करते हैं। सबसे पहले व्यूज़ ये देख लें, 1 टीस्पून के करीब, ये बेकिंग पाउडर है, ये इसमें डाल देते हैं। और ये देख लें, 2 चुटकी के करीब ये हमारा नमक है, ये डाल देते हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ये दही है, ये इसमें डाल देते, दही से थोड़ी सी इसमें क्रिस्पीपन आएगा। अब व्यूज़ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये देख लें मेल्ट किया हुआ ये हमारा घी है, ये इसमें डाल देते हैं। अब पहले इसकी थोड़ी सी इस तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं, फिर हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। ये देख लें, ये फूड कलर है, इसमें 2-3 ड्रॉप मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देख लें, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। गूंदना नहीं है इसको, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना वैसे नहीं आपने गूंदना, बस ये इस तरह से ये देखें मिक्सिंग करनी है इसकी। पहले इस तरह से घी की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें, जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमारी मिक्स हो जाएं। अब हल्का सा इसमें मैं वाटर डालूंगी। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने इसमें वाटर डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना। ये देखें मैं इसको मसल रही हूँ, गूंद नहीं रही हूँ, मसल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। और फिर ये देखें आपने इस तरह करना है इसको, देखें ऐसे मिक्सिंग करनी है इसको। जो इसका वो जाल सा बनता है बालूशाही का, तो वो ऐसे ही बनता है। अगर हम इसको गूंद लेंगे सिंपली जैसे गूंदते हैं तो फिर वो टेक्स्चर नहीं आएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा, जैसा कलर हमारे बोल का है वही कलर हमारी डो का हो गया है। इस तरह से आपने इसको करना, गूंदना नहीं है, जैसे है कि हम आटा गूंदते हैं या हम उसकी शॉर्मा की डो बनाते हैं, पिज्जे की डो बनाते हैं, तो ऐसे नहीं करना। ये देखें बस ये तरीका कर रहा है। बस ये देख लें, 5 मिनट हो गए हैं, इसी तरह से मैं इसको ये देखें इस तरह से मसल रही हूँ। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, इसको कवर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। जी वीएस ये देख लें, मैंने कढ़ाई के अंदर घी डालकर मैंने इसे फ्लेम के ऊपर रख लिया है, बिल्कुल लाइट फ्लेम है बालूशाही, बिल्कुल ही लाइट फ्लेम के ऊपर ही हमारी कुक होगी। और ये देखें ज़्यादा हमने गर्म ऑयल के अंदर ऐड नहीं करनी, बस हल्का सा, बस ये नीम गरम सा ऑयल होगा, इसमें बालूशाही ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्लेम लाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी वी एस ये देख लें, 10 से 15 मिनट मुझे तकरीबन हो गए इसको रखे हुए। अब मैंने इसको जिस साइज़ में आपने बालूशाही बनानी है वो साइज़ आप ले लें, ऐसे तो बड़ी भी होती हैं छोटी भी होती हैं। ये देख लें, छोटे छोटे से आपने इस तरह से पेड़े बना लेने हैं, और इस तरह से फिंगर से इसको इस तरह से आपने होल सा बना लेना है, जिस तरह डोनट होता है ना, ये उसी शेप में ही देखें बनेंगे हमारे। इस तरह से आपने फिंगर की हेल्प से इस तरह से इसमें होल सा सुराख सा कर लेना है, ये देखें जिस तरह से डोनट होते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में ये बनेंगे सारे। इसी तरह से मैं बना लूंगी, एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बस सिंपली आपने ये छोटा सा पेड़ा बनाना है, और ये देखें, और आपने इस तरह से ये देखें इस तरह से आपने इसको बालूशाही की शेप दे देनी।
जीवीएस ये ऑयल देखें, मैंने काफी देर से रखा हुआ है लेकिन बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर रखा हुआ, गर्म ऑयल में नहीं डालना। ये छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें डालूंगी, इसके अराउंड में छोटे छोटे से बबल बन रहे हैं और ये देर से जब ऊपर आ जाएगा ना तो समझे ये हमारा टाइम परफेक्ट है बालूशाही डालने का। अगर गर्म ऑयल में एकदम से हम डाल देंगे तो वो फिर इसका ये कार वो नहीं है, बिल्कुल ये लाइट इसके ऊपर पकती है। ये देखें हिलजुल इसने शुरू कर दी है, ये आइसी ये देखें इतने टाइम में ये ऊपर आना चाहिए। ठीक है अब ये परफेक्ट टाइम है बालूशाही डालने का, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें नीम गर्म सा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें छोटे छोटे से इसमें से बबल उठना शुरू हो गए, बिल्कुल ये हल्के फ्लेम के ऊपर पकती है। बस ये इसकी कारीगरी होती है कि इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करना होता है। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, इसी तरह से ये लाइट से आंच के ऊपर जब देख लेंगे एक साइड से ही कुक हो जाए तो फिर हम इसको इंशाल्लाह पलट देंगे। जी वैसे जब तक हमारी बालूशाही देखें फ्राई होती है बालूशाही, तो मैं ये इसका शीरा बना देती हूँ। ये तकरीबन 2 कप ये मैंने चीनी ले ली है, ये वाले 2 कप ये चीनी के थे, अब इसमें 1 कप ये पानी का ऐड कर दूंगी। जी ये देखें 1 कप इसमें मैं ये वाटर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें चंद ड्रॉप इसके रूह केवड़े के ऐड कर देते हैं जायके के लिए। अब ये ज़बरदस्त सा हमारा शीरा बन जाएगा। ये देख लें मैंने ये बालूशाही इसमें डाली थी तो छोटी छोटी सी थी, अब माशाल्लाह से ये देख लें ये फूलना शुरू हो गई है। जी वीएस ये देख लें शीरा हमारा रेडी हो रहा है। अब इसमें ये छोटे साइज का एक लेमन है ये इसमें निचोड़ देते हैं, ये इसलिए निचोड़ते हैं कि चीनी जो है हमारी वो क्रिस्टल ना बने, हार्ड ना हो, जमे ना चीनी। जी वीएस ये देखें बालूशाही हमारी ये फूल चुकी है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसको आपने छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, एक तरफ से अच्छी तरह ये कुक हो जाए फिर हम इनको बहुत एहतियात से पलट लेंगे। और व्यूअर्स ये देख लें शीरा भी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। ये देखें ज़्यादा हमने गाढ़ा भी नहीं करना और ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना। ये देखें जब इस तरह से आप इसको शीरे को टपकाएं तो जो इसका लास्ट वाला जो इसका कतरा है ना वो थोड़ा देर से टपकना चाहिए। ये देखें तो ये माशाल्लाह से हमारी डन हो गई है। अब मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ फ्लेम को, बहुत ज़्यादा एहतियात से इसको हम पलट लेंगे। ये देखें एक तरफ से ये कलर आना शुरू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से, ये सॉफ्ट होती हैं, इस तरह से आराम से आपने इस तरह से। ये देखें इसमें से ये आपको लेयर नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे ये पलटती हैं। अब ये बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर, मैं दोबारा फ्लेम को थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ अच्छी तरह ये कुक हो जाए। जी वीएस ये देख लें इस तरह से अब मैं दोबारा इनको पलट लेती हूँ, बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने पलटना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। देखिए जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने इस तरह से एहतियात से पलट लेना है इसको, ये जब तक इसमें क्रिस्पी ना हो जाए तो आपने इसको इसी तरह से लाइट से फ्लेम के ऊपर कुक करना है। ये देखें बहुत एहतियात से, ये देखें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं आपने दिखानी। देख लें बड़ा परफेक्ट सा इस पर कलर आ गया है। अब बहुत ज़्यादा एहतियात से इनको मैं निकाल लूँगी इस तरह से, अब ये सारी निकाल लेते हैं। जी वीएस ये देख लें ये भी फ्राई हो गई है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। देख लें जो शीरा हमने बना के रखा था अब इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। अब ये गरम गरम शीरा मैं इन पे डाल देती हूँ और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे, थोड़ी देर ये शीरे में डिप रहेंगी। जी वीएस ये देख लें मैंने डिश आउट भी कर ली है इस तरह से, आपने भी ये देखें थोड़े से मैंने लाइट कलर के बनाए हैं क्योंकि बास लोगों को थोड़ा कलर लाइट पसंद होता है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ा सा ये पिस्ते के साथ मैंने इसको गार्निशिंग कर लिया है इस तरह से। तो व्यूज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से ये देखें घर में आप तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आप बेकरी वगैरह के खाते हैं आप दिल से मुतमईन होंगे कि साफ़ सुथरे तरीके से ये बनाई गई है मिठाई। तो व्यूज़ ये देख लें माशाल्लाह से हमारी बालूशाही मिठाई रेडी होगी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।